गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग चैनल DAV ट्यूटोरियल एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सौरभ राज। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो हमारी बनी थी सेकंड चैप्टर की, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहाँ पे उस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन तक की बात को ख़त्म कर लिया था, टिंडल इफेक्ट को जान लिया था। उसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए थे, ठीक है। आप लोगों ने उस वीडियो को वहाँ तक देख करके अपने अपने एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप, ठीक है। और आप लोगों ने फिर एग्ज़ाम को अपीयर किया होगा। हाँ, रिगार्डिंग एग्ज़ाम में एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हम लोग की हुई थी, उस एग्ज़ाम में मैंने जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो जब तक से और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, मीन्स कि जब तक से आपको अपने चैप्टर की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट वे में रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर सेकंड। जो आप हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हेडिंग क्या है चैप्टर की? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब होता क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? चलिए इस चीज़ को पहले समझते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास दो बीकर है जिसके अंदर मैंने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रखा है, बीकर ए और बीकर बी, इन दोनों ही बीकर में वाटर है। अब क्या करते हैं, इस बीकर ए में हम लोग 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड करते हैं और बीकर बी में हम 200 ग्राम सॉल्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। बीकर ए में हम लोगों ने ऐड किया 10 ग्राम सॉल्ट को और बीकर बी में हमने ऐड किया 200 ग्राम सॉल्ट को। तो जब हम लोग इस सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो ये बनेगा सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है और ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा लेस कंसंट्रेट, और ये वाला जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा हाईली कंसंट्रेटेड। आई होप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। कंसंट्रेशन में क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि हमने कितने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, डेट इज नोन एज अ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इस केस में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वेयर एज इन दिस केस हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। So this solution is highly concentrated and this solution is less concentrated. So from here we can say the concentration simply means the amount of solute present in a solution. यहाँ से हम लोग concentration के बारे में एक definition के तौर पे, definition के form में एक line ये कह सकते हैं कि concentration simply means the amount of solute present in a given solution. इट इज नोन एज द कंसंट्रेशन। क्लियर? अब ये जो कंसंट्रेशन होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वेरियस फॉर्म, इनको हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट है, सॉलिड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है तो हियर
द कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई मास, 10 ग्राम शुगर या 10 ग्राम सॉल्ट, 200 ग्राम सॉल्ट। तो यहां पे 200 ग्राम क्या है, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। हियर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई द मास, क्लियर। अब कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। आप लोगों को मैथ में तो ये जानकारी होगी कि जब भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सो हियर द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, क्लियर। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवाता हूं तो आपको थोड़ी सी उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यह है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया गया है 370 ग्राम ऑफ वाटर में, एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर में क्या लिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूट का मास कितना हुआ, 30 ग्राम, इट इज 30 ग्राम प्लस 370 ग्राम सॉल्वेंट, तो टोटल मास कितना आ गया, 400 ग्राम सॉल्यूशन का मास, राइट। सॉल्यूशन का मास 400 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट किया जाए, 30 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 100, विच इज इक्वल टू 7.5% बाई मास। यहां तक तो क्लियर है, 7.5%। अब हमने ब्रैकेट में लिखा है बाई मास, क्यों ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि द कंसंट्रेशन या द अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और ग्राम की किसकी यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, तो मास की होती है, फिजिक्स में आप लोग जानते हैं। हेंस हियर वी हैव पुट गिवन द
बाय मास इन ब्रैकेट, ठीक है। अब कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जहां पर दो लिक्विड को मिलाए जाते हैं, राइट। दो लिक्विड जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का, क्लियर। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वॉल्यूम का। तो वहां पर हम लोग जब कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसे मैं उसके लिए भी एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि दो लिक्विड है, मैंने ले लिया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और वाटर, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स किया गया और बोला गया कि इसकी कंसंट्रेशन बताइए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूमेरिकल का ही, क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स fifty ml of alcohol. A solution contains 50 ml of alcohol with 150 ml of water. With 150 ml of water. Calculate concentration. Calculate concentration. ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो सॉल्यूशन बन रही है इट इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल लिक्विड होता है एंड वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड, सो हियर द सॉल्यूशन इज लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पर वॉल्यूम ml, वॉल्यूम ml, राइट। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, राइट। जहां मास होगा मास डालेंगे, जहां वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्लियर। अब देखते हैं सब एक इम्पॉर्टेंट बात इस न्यूमेरिकल में क्या है। यहाँ पे दे रहा है 50 ml ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर। सबसे पहले आवर प्राइम क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में इट वॉज इजी टू आइडेंटिफाई डैट सॉलिड इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ सॉरी एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। लेकिन इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियो में, कि द सबस्टांस विच इज प्रेजेंट इन अ लेशर अमाउंट इज नोन एज अ सॉल्यूट एंड द सबस्टांस विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज नोन एज अ सॉल्वेंट। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होगी, अगर नहीं याद है तो काइंडली रिफर टू दैट वीडियो, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। बिकॉज अब जो हमारे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, इसके बाद जो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड को लास्ट में पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सारे वीडियोज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे। आपने अगर एक वीडियो को भी स्किप किया नहीं देखा तो फिर आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, kindly watch video of the chemistry consistently and continuously, otherwise you won't be able to understand the concept. Let's come to our topic. So maine jo bata rakha tha, the amount which the substance which is present in a less quantity is known as a solute and the substance which is present in a large quantity is known as a solvent. To yahan par less quantity mein kya hai, alcohol hai, so it is a solute, क्लियर। एंड द अदर वन इज अ सॉल्वेंट, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 50 प्लस 150 दैट इज 250 ml, 200 ml इंटू 100, ये क्या हो गया, इट इज 25%, राइट। एंड यहां पे क्या लिखेंगे, बाई वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन था वो किसमें है, वॉल्यूम में है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ था, मास में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों को ज्यादा ध्यान देनी है कि वेयर वी हैव टू एक्सप्रेस द परसेंटेज इन वॉल्यूम एंड वेयर वी हैव टू एक्सप्रेस द परसेंटेज इन मास, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काइंडली गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप लोगों के पास नंबर है ही मेरा व्हाट्सएप का, पहले ही मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात हम लोग आगे कर लेते हैं इसी चैप्टर में। मैंने आप लोगों को बता रखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस चीज़ को मैंने पहले डिस्कस कर रखा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब जो हमारा रह गया है थोड़ा सा, वो रह गया है सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने के लिए। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, तब तक से इस कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, वेदर इन एनसीईआरटी और इन एसचन, काइंडली गो थ्रू दोज न्यूमेरिकल एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी कॉन्टैक्ट मी, ओके, थैंक यू।